अगर वाकई आपने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया है तो क्या आप बता सकते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोला जाए, जहां हम कहते हैं तुमने ही तो कुर्सियां तोड़ा है, मैंने ही तो इसे किया है, उसने ही तो गाली दिया, वे लोग ही तो झगड़ा किए, मैंने ही तो इसे खरीदा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जहां हम कहते हैं मैंने ही तो, तुमने ही तो, उसने ही तो, उन लोगों ने ही तो को कैसे बोलना है। अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस को लेकर कंफ्यूज हैं तो आइए इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, तुमने ही तो गाली दिया है। तो अगर आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तुमने ही तो का ट्रांसलेशन करें, जो होगा इट इज यू, यानी इट्स यू। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैंने ही तो, इट इज आई, तुमने ही तो, इट इज यू, उसने ही तो, इट इज ही। अगर वो कोई औरत है तो आप कहेंगे इट इज सी, वे लोग ही तो, इट इज दे, हम लोग ही तो, इट इज वी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को समझा कि जब आपको कहना हो मैंने ही तो, तुमने ही तो, उसने ही तो, उन लोगों ने ही तो, हम लोगों ने ही तो को बोलने के लिए आप कहेंगे इट इज आई, इट इज यू, इट इज ही, इट इज सी, इट इज दे, इट इज वी। इसके बाद आप लिखेंगे हु, जो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। फिर आप टेंस के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर दें, यानी आप हु के बाद लिखे कोई हेल्पिंग वर्ब, अगर वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो। फिर आप लिखे वर्ब, फिर आप लिखे ऑब्जेक्ट, यानी हु आपके सेंटेंस का होगा सब्जेक्ट। उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी आप वही काम करेंगे जो आप नॉर्मल एक सेंटेंस में करते हैं। कैसे, आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आपने ही तो गाली दिया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज यू हु हैव अब्यूज्ड, यानी आपने ही तो गाली दिया है। यहाँ मैंने बोला इट इज यू, इसका मतलब हुआ आपने ही तो, उसके बाद मैंने बोला हु, फिर मैंने बोला हैव अब्यूज्ड। मैंने हैव अब्यूज्ड इसलिए बोला क्योंकि मेरा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का था। तो आपका सेंटेंस जिस टेंस में रहे आप उस टेंस के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें। मान लीजिए अगर आपको कहना हो तुमने ही तो गाली दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज यू हु अब्यूज्ड। अब इस सेंटेंस में मैंने हु के बाद हैव नहीं लिखा क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का था और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा जाता है। उन लोगों ने ही तो झगड़ा किया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज दे हु हैव क्वारल्ड। उसने ही तो थप्पड़ मारा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज ही हु स्लैप्ड। मैंने ही तो आपको पढ़ाया, इट इज आई हु टॉट यू, यानी मैंने ही तो आपको पढ़ाया, मैंने ही तो आपको 100 रुपये दिया था, इट इज आई हु गेव यू 100 रुपीज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के सेंटेंसेस को आप बड़े शानदार तरीके से बोल पाएंगे, जहाँ आप कहते हैं तुमने ही तो गाली दिया है, तुमने ही तो झगड़े की शुरुआत किया है, मैंने ही तो आपको इंग्लिश सिखाया, मैंने ही तो आपकी मदद किया, उसने ही तो यह किया है, या उसने ही तो उसे देखा है, के तरह के सेंटेंसेस को आप बड़े आराम से बोल पाएंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए।